दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप एक BSNL के ग्राहक है तो आपको सुनकर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेंगे कि BSNL कंपनी नॉर्थ इंडिया के मेनली 4 स्टेट के अंदर ऑलरेडी 3500 मोबाइल टावर्स का बैठाने का काम 90% से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। BSNL कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर आ चुका है और BSNL के जो मेनली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर PK पावर यानी प्रवीण कुमार पावर है उनकी तरफ से कन्फर्म किया गया है कि नॉर्थ इंडिया के 4 स्टेट के अंदर BSNL अपना जो 4G का काम है वो ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों अगर मैं BSNL कंपनी की बात करता हूँ तो आपको पता है कम्प्लीटली इंडिजीनियस वे से BSNL कंपनी अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इक्विपमेंट वो भारत के अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसके अंदर जो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो एक मेजर रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं BSNL 4G और 5G लॉन्च के ऊपर। उसी के साथ साथ BSNL कंपनी मेनली जो सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से बना हुआ, और वो जो मेनली अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है वो आने वाले टाइम के अंदर 5G पर अपग्रेड भी हो सकते हैं। तो 5G अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी जो वो BSNL यहाँ पर यूज कर रहा है। तो BSNL का ये टारगेट था कि मेनली जून जुलाई महीने से पहले BSNL भारत के मेजर सिटी के अंदर अपने 4G सर्विसेज को चालू कर देंगे और उसके बाद ही अपने 5G सर्विसेज को 5G NSA के साथ यहाँ पर चालू कर देंगे। लेकिन अभी के टाइम के अंदर जो गति यहाँ पर TCS कंपनी की तरफ से BSNL कर रहा है वो गति बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है, और BSNL का जो ऑफिशियल 4G लॉन्च है वो यहाँ पर आशा किया जा रहा है कि 2024 के जो 15 अगस्त है वहाँ पर मेनली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मेनली इसे अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि भारत का जनरल इलेक्शन है, उसके बाद हमें पता चल पाएंगे कि मेनली जो भी यहाँ पर हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे उसके बाद ही हमें पता चल पाएंगे कि कौन इसके अनाउंसमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद भी BSNL कंपनी मेनली नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट, अगर मैं स्टेट के नाम बताऊँ तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो ये जो पर्टिकुलर सर्किल है यहाँ पर BSNL कंपनी 3500 मोबाइल टावर्स को ऑलरेडी रेडी यहाँ पर कर दिया है। और इसके बाद ही BSNL का जो टारगेट है वो साउथ इंडिया यहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर तमिलनाडु उसी के साथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सर्किल के अंदर नेक्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे मोबाइल टावर्स का काम कंप्लीट हो चुका है और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर 4200 4G मोबाइल टावर्स का काम 90% से भी ज्यादा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो BSNL यहाँ पर TCS के साथ फास्ट टेस्ट के ऊपर 1 लाख BTS यानी बेस ट्रांसीवर सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं पूरे भारत के अंदर, जिसके लिए ऑलरेडी TCS को 15,000 करोड़ रुपए और ITI को 4,000 करोड़ रुपए मिल चुका है, जो मेनली 4G टावर इंस्टॉलेशन उसी के साथ आने वाले 9 साल का जो मेंटेनेंस है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यहाँ पर देखेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो काम काफी जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन BSNL के जो एम्प्लॉयज है वो यहाँ पर चाहते हैं कि इमीडिएट बेसिस BSNL अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च करे, क्योंकि BSNL के जो एम्प्लॉयज यूनियन है उनकी तरफ से BSNL के CMD और मैनेजिंग डायरेक्टर PK पावर को ये लेटर लिखकर बताया गया है कि हर महीने BSNL कंपनी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स अपने से खो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं रूरल सब्सक्राइबर की बात करता हूँ, जो BSNL का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो भी काफी तेजी से यहाँ पर घट रहा है। रिसेंट टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो BSNL का जो टोटल मार्केट शेयर है वो 7.94% है एज ऑफ December 31, 2023, मतलब अभी के टाइम के अंदर अभी 3 महीना हो चुका है, अभी और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर जो वो BSNL के अंदर यहाँ पर डाउन हो चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो सब्सक्राइबर लॉस तभी रोक सकते हैं जब BSNL अपने सर्विसेज को यहाँ पर इंप्रूव करेंगे और वर्ल्ड क्लास 4G सर्विस BSNL यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। उसी के साथ BSNL कंपनी जो वो अपने 5G सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हालांकि उसका लैब टेस्टिंग जो वो कंप्लीट हो चुका है और BSNL एयरटेल की तरह अपने सर्विसेज को 5G NSA के साथ यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो 4G 5G दोनों सर्विस अगर BSNL के साथ आ जाते हैं, उसी के साथ अगर मैं इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, मतलब बिल्कुल भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप किया गया है, इस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे लोगों का जो सिक्योरिटी है उसे फास्ट प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जाएगा। और भारत के ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाए, तो उस जगह के अंदर भी BSNL अपने कनेक्टिविटी को पहुँचाएंगे, ये प्राइमरी मोटिव जो वो BSNL की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। अभी देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इसका फाइनल अनाउंसमेंट कब किया जाता है और फाइनली BSNL कब अपने 4G और 5G सर्विसेज को यहाँ पर लॉन्च कर पाते हैं। आपको क्या लगते हैं कब BSNL अपने 4G और 5G सर्विसेज को यहाँ पर लॉन्च कर पाएंगे? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे कुछ मिलेगा तो ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।